हरियाणा की एक स्टार खिलाड़ी है, उसके घर पे आए हुए हैं और आज उनको पगड़ी दी जा रही है। भाई चार पांच जंग ऐसे मेरे ख्याल में हरियाणा के इतिहास में पहली बार होगा कि पांच पगड़ी एक बार इकट्ठी किसी को दी जाएगी, तो देसी भाई का पहला नाम होगा कि वो पांच पगड़ी देसी भाई को दी जाएगी। तो अभी देसी भाई के घर पे आए हैं और चलिए देसी भाई से भी मिलवा देते हैं और जो पगड़ी की असल की सारा सिस्टम जो भी आगे होने वाला है वो वीडियो के माध्यम से आप लोगों के आगे आ जाएगा। देसे भाई के पास पहुंच चुके हैं और पहले देसे भाई से बात करवाते हैं और इसके बाद में फिर उन भाइयों को भी मिलाया जाएगा जो भाई देसे भाई को पगड़ी देने के लिए आए। तो एक जो क्लिप है वो इंटरव्यू के लिए की जाएगी भाई देसे भाई का। तो देसे भाई जो अपने शौक की शुरुआत है, तो वो शुरुआत कहाँ से हुई थी? भाई सारे भाई जितने भी अपने कबूतरबाज भाई है सारे तक मेरे हाथ जोड़ कर आओ राम भाई। और दूसरी बात भाई, जो भाई मेरे इस मेंटर में या पगड़ी में जितने भी भाई आ रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद है जो मेरे दरवाजे में पहुँच रहे हैं। जो सारे भाई हैं मुझे भाई आपको इनको बहुत धन्यवाद है जो आप नाम सिलाई समझे कि शुरुआत विजय भाई यही कोई ढाई तीन साल की। अच्छा, मतलब ये मान के चलो कि भाई पैदाइशी शौक है, तो वो कैसे? वो मेरे मामा जी जो बैठे हैं पास में। अच्छा अच्छा, तो मैंने तीन साल की शौक। अच्छा, तो जो वहाँ पर अच्छा शौक टाइम को मैंने आप भी ले रहे हैं। अच्छा, नाम क्या है जी इनका? काड़ा जोगिंदर कहते हैं। जोगिंदर अड़साना साहब, मुकेश मुकेश भाई साथ में रखे थे या उनके साथ में ही इनके? अच्छा, इकट्ठा ही शौक। हाँ, इनके इकट्ठा ही शौक है। ठीक है, जब भी ये एक ही जगह कबूतर यो नाम ना करो, मैं ये भी साथ में इनके साथ में ही रहकर शुरू कर गया। ठीक है, छोटा है जो मेरा उन्होंने याद नहीं किया, तो मेरी यह मैं बता रहा तीन साल तब से ये अभी भी कबूतर पाड़ गए हैं इन्हीं के पास से मेरे को शुरू कर गया। अच्छा, वहाँ से शौक की स्टार्टिंग थी। हाँ जी, तो मतलब फिर उस्ताद भी आपने बनाए होंगे? हाँ, तो आपके जो उस्ताद हैं वो हरियाणा से हैं या पंजाब से हैं? देखो विजय भाई, शुरुआत में पूरे मेरे मामा भी उनके पास पहले कबूतर थे देसी कबूतर छतरी का, उस टाइम पर कोई करे उस टाइम पर कल से बिल्कुल। ठीक है, आज से मैं आपको 25-26 साल पहले हाँ और रामपुरी कल से कबूतर छतरी का किसी ने पता भी नहीं था छतरी होगा। बिल्कुल, तो उस टाइम पर जैसे कि हम ये छत वाले कबूतर शौक का टाइम पास किया करते थे। ठीक है, वैसे शौक होया करता जब बाजियाँ भी नहीं रहती मैच में ज़्यादा लोगों में ट्रेन नहीं रहता जी। तो उस टाइम पर फिर आहिस्ता आहिस्ता जो एक घर पे कोई छतरी का कबूतर पता हो दुबाज कबूतर थे लाल दुबाज कबूतर जो हमारे पास शुरुआत की छतरी वाले ऐसे ही घर पर आकर बैठ गया तो हमें पता चला कि यहाँ से छतरी वाले नीचे नीचे हो गया। अच्छा, लोक लाए लोग हाँ वही वहाँ से एक लाल दुबाज कबूतर ये कोई बहुत पुरानी बात है वो आन चाण बाहर कहीं कहीं से किसी का आया था। हाँ, नीचे उड़ान वाला, नीछी उड़ान वाला। आ, वो मैं उड़ाया तो पता चला कि भाई छतरी वाले कबूतर होते हैं नीचे उड़ते हैं, ये तो हमने इस बात के बारे में नॉलेज है। तो फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता एक बार ये अपना जयपाल है वो लाल जयपाल है तो उसने बोल दिया तो वो मान लेंगे है वो अच्छा आपने विंटर में बात में हाँ जी। तो वो ऐसे मैशा का काम करो मैशा ले बेची का जो ऐसे ही जो रम करा तो बोल रहे थे वो आ गया हमारे तो आने के बाद वो वहाँ पे यूपी में उस टाइम पर छतरी के कबूतर थे ये बात है कोई 12-14 साल की जब मैं इतनी ज्यादा उम्र हो गई थी मेरी 14-15 साल का हाँ जी। तो उस टाइम पर जयपाल हमारे को मिला था तो मिला तो हमारे को टाली वाला मिलने के बाद फिर हमने वो उस टाइम पे छतरी वाले कबूतर जो थी इसलिए उसने हमारे को पहली बार मिला। अच्छा, उसने हमारे को छतरी वाले कबूतरों का शौक बांटे कहने का मतलब हाँ मतलब एक क्रेज जो था मतलब अपने से पहले यूपी में आ चुके थे बहुत पहले आ चुके थे बहुत पहले भाई सोनी है आज यूपी में दाता है कुर्थन वाला तो दाते ने कुछ ने भी हमारे ख्याल में 15 साल हो गए ये सबसे पहले जो भी आए हैं मोहम्मद सबसे पहले जो मैंने आपने दो नाम बताए बड़ा लांडेवा की नस्ल मशहूर आपने कभी नाम सुने अभी
थे, उनकी पूछ कटी थी, पंजाब आए थे, उनकी पूछ काटी थी, तो लाख रुपये की नस्ल मशहूर हुई। तो मान ली कहने का मतलब अच्छा, जो पंजाबी कबूतर आपके सामने आए उसी टाइम से, तो उस टाइम पे अपने यहाँ पे टूर्नामेंट शुरू हो गए, कोई उड़ने लगे। सबसे पहला हरियाणा में टूर्नामेंट करवाने वाला 2013 में मैच करवाया था। अच्छा, 2013 का जो क्लब, वैसे तो मैं छोटे थे लेकिन क्लब वाली जो एंट्री शुरू हुई 2012 या 2013 का था। और ये अंदाजा है कि भाई जो लो फ्लाइंग का शौक स्टार्ट हुआ, बाजियां उड़नी शुरू हुई थी, वो कुछ अंदाजा है कि भाई वहाँ उस पीरियड में जाके शुरू हुआ था या कोई टाइम उसका? ये सारे उस टाइम पर तो मेरे मामा और मेरी गेल मान ली इनके साथ ही था, मैं इकट्ठे था तो उस टाइम पर आमने सामने की बाजी करता था। अच्छा, ये मान लो कोई 8-9 साल की उम्र थी, मेरे मामा तई मतलब जब तई बाजी का शौक, जब मैच का कोई इवेंट नहीं था पता नहीं, अब तक हरियाणा में सबसे पहला क्लब यू अन्नू ने करवाया था जो 2013 में। तो एक बार अपने उस्ताद जी हैं और जो भी पंजाब से आए हुए हैं उनसे भी रूबरू करवाओगे? पहले तो मेरी बात सुनो, ये जो हाँ, मतलब जैसे जैसे सीढ़ी चढ़ते गए यूपी में, मेहरबान के पास से भी कबूतर, मान ली यास के पास से भी, यूपी में से भी मैंने कई लाख रुपए। अच्छा, लेकिन फिर वही बात है, रिजल्ट नहीं मिला। अच्छा, रिजल्ट कहाँ पे जाके? जब रिजल्ट मिला ये भाई वो बैठे उस्ताद आजम मेरे, उनके वहाँ से रिजल्ट। अच्छा, वहाँ से रिजल्ट आना शुरू। हाँ, ये जो उस्ताद आजम आ रहे थे कि शुरुआत में कबूतर हमारे को, शुरुआत में कबूतर जयपाल हटा यूपी से उड़ाना कर लीजिए। अच्छा जी, ये मैं सगा बिजनेस करते थे तो इन्होंने शुरुआत में हमारे को छतरी वाले कबूतर, जो छतरी वाले कबूतरों की जो पहचान हुई थी यहाँ से शुरू, यहाँ से शुरू। अच्छा, तो उसके बाद में फिर इन्होंने कबूतर दिलवाए और शौक आगे बढ़ता चले गया, शौक हमारा आगे बढ़ गया। फिर की इनके जो भाई बिरादर हैं वे पंजाब से कबूतर लेते थे, फिर इन्होंने मेरे, मतलब पहले तो मैंने यूपी से बोल थे, लेकिन फिर हमारे को पता चला कि असली कबूतर पंजाब में बैठे, ये यूपी वाले भी वहाँ से ले आए। हमारे को इस बात का पता चला कि मतलब पंजाब में ही हम खा कम यूपी में लेके खा रहे हैं, नस्ले पंजाब में भी वहाँ, ये भी जो वहाँ से ले आओ तो है ही वहाँ पे, वहाँ पे है। तो क्योंकि देखो इस ब्लड लाइन का जन्मदाता ही एक फिर वहीं से पंजाब को ही है, छतरी का कबूतर पंजाबी कबूतर से बोला जाता है क्योंकि वो छतरी में बैठा है, ये सरदार लोग हैं, जट सरदार लोग हैं, जैसे भी लगा लो इनके छतरी का क्रेज इन्होंने ये, क्योंकि छतरी का हरियाणा में यूपी में किसी को कुछ नहीं, यूपी में आप जाओगे कई जगह आपको सितारे वाले घुंघरू की छतरी मिले, अलग अलग डिजाइन वो अपना उन्होंने लिया था ना क्रेज बना, लेकिन असली छतरी चकूटी छतरी आज तक आप पूरे पंजाब में कहीं पर चला जाओ वो एक आधे की तो मैं कहता नहीं, सबके पास चकूटी छतरी, वहाँ से ही असली छतरी का क्रेज तो वहाँ से ही चालू हुआ है, पंजाब से ही जो भी मान लो। तो फिर मान लो मैं बता रहा हूँ आपसे, यूपी से कबूतर खरीदते, लेकिन उन कबूतरियों मेरा उस्ताद इन्होंने पता कराया भाई ऐसे ऐसे कबूतर हमने शुरुआत में पंजाब में से डीसी वाले कबूतर मिल गए, खुदा ने खास था जो मोल खरीद लिया, आज से कितनी पुरानी बात होंगी उस्ताद जी, बोले 15-16 साल तो 16 के 17 साल हो गए होंगे, होटल कला गए हम, हाँ 2 दशक के आसपास मान लो कि भाई 17 या 18 साल के आसपास। हाँ जी, और वो उस टाइम पे कबूतर हमारे को 150 रुपये पर मिले, हाँ
150 रुपए पर कबूतर लेके आए बाजी छोटे जो पे बाजी मारी, मतलब सीधा जो फर्स्ट टाइम था आपका पंजाब में, कौन सी जगह गए थे आप? वो मैं बता रहा हूँ, उसके उस्ताद के साथ चले गए। कोटली का। अच्छा, उसके बाद फिर अन्नू भाई साहब तब आप जी तो हमारी चुकर दिल्ली वाले, अन्नू भाई ने फिर मैं भेजा इस भाई के पास, अमृत भाई। अच्छा, अमृत भाई। तो ये अमृत भाई है पंजाब से। पिंड केड़ा है भाजी? बाले वाली। तो उस्ताद जी का केड़ा पिंड जी? झंडा। दोनों का जिला बठिंडा। तो ये सबसे पहले अमृत भाई के पास? हाँ, मैंने उस्ताद ने वहाँ जाने के बाद, फिर उसके बाद फिर मेरे को शौक आपने बता दीजिए भाई, हाँ। छोटन का बोल दिया था। बिल्कुल, तो मेरे को चस्का रहा कबूतर और लाने और जी, हाँ जी। अभी कहीं जाऊँ मैं कबूतर आला की सारे लिए बैठे हैं 50-70 कबूतर उठने के, ये भी मैंने थोड़े लग गए आपने पता है छोड़ना है इतनी तो 50-70 कबूतर, तो आप ये मान के चलो कमें मानने जाऊँ पता नहीं, कुछ तो तैयारी में वेस्ट हो जाए। हाँ, 20-20 कबूतर कट जाए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। फिर तो जितना इसमें पीछे स्टॉक में लेकर चलोगे, जितने अपने लेकर चलोगे उतना ही काबू सच्चा। वो कहते हैं ना कि भाई अपने हरियाणा में एक कहावत है, काबू सच्चा झगड़ा सच्चा। तो जैसे भाई की बहुत बढ़िया बात है कि भाई अपना स्टॉक पीछे लेके चलते। तो उसके बाद अमृत भाई के वहाँ से आपको? हाँ, अमृत भाई मैं तेरे पास कौन सी सलमान भाई के कम से कम 13 साल के करीब। 13 साल के करीब। तो फिर यूँ बाद मैंने अच्छा अमृत भाई डीसी भाई के पास लेके गए। अच्छा, ठीक है। तो ये मेरे को डीसी के पास लेके जाए शुरू की बात है। तो मान लो डीसी के पास ले जाने के बाद, मान लो ना मैंने पंजाबी भाषा ही नहीं बोली कुछ समझ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मैं मेरे कान मुँह कान देखा तो मैं उनके ये फर्स्ट स्टार्टिंग की बात है, मान ले 13-14 साल पहले बात। लेकिन एक तो मैं पूरी करेक्ट जो कोई बात भी नहीं रखती, मान ले पूरी सिरा बोल रहा हूँ कोई बात, मान ले सिरा पंजाबी का वर्ड आ गया पंजाबी आल टोटल आ गई, मैंने जब 14 साल हो गई इनके लिए। बिल्कुल। तो शुरू में जब डीसी के पास बैठा जो मैं बोला मैंने नहीं समझ मान ली तू के कहो देखो हमारे को भी अगर पंजाब का कोई आदमी यहाँ पे आता है वो बोलता है ना एक मीठापन महसूस होता है, ऐसे ही हमारे हम वहाँ जाते हैं तो आवाज बहुत अच्छी है हमारे से भी, बहुत मीठी आवाज है, मीठी आवाज है। लेकिन टाइम लगा तो चीज बनी, लेकिन वही बात है भाई ने मुझसे मिलाया खुद करीश ने, अमृत ने भी मेरे को कबूतर दिए हैं, उनसे भी मैंने बहुत बाजी जीती है अमृत भाई ने। अच्छा, जो स्टार्टिंग में कबूतर आए थे वो डीसी भाई के घर से आए? नहीं, शुरुआत में डीसी भाई अमृत भाई के घर से, तो बाद में डीसी भाई से? हाँ, बाद में इसी ने मिलाया था। अच्छा जी, अच्छा। आप यूँ नहीं है कि मैं इसने जो करे पाइस दौरे चले गए, इसने छोड़ कर ने अपना अलग लिंक बना लिया या और कुछ बात कर ली ना, शुरू से लेकर आज तक आप इस तक इनके साथ ही ना, इससे अलग कोई मैटर। सरदार जी एक गल पूछनी थी, डीसी भाई का नाम डीसी क्यों पड़ा? डीसी भाई छोटा हम देने चार पर जाए पिता। अच्छा जी, अच्छा तेज होने के कारण नाम डीसी रख दिया। मतलब मेरे को भी यही सुनने में आई थी कि जाने होंगे किसी रेहड़ी को गया सी वो समान समून लेने, तो उत्थे जाके वो रेहड़ी वाले बिगड़ आवाज च बोलिया कि भाई ये फलाना चीज मैनू दे, तो उधरों नाम रखा गया से। फिर वो फादर कह लगे भाई ये डीसी लग गया इनू समान फड़ा पहला, इस करके उन्होंने नाम डीसी रखे गया। तो भाई हरियाणे वाले भाइयों ने भी सॉरी, भाई पंजाब वाले ने भी सॉरी है, भाई पंजाबी और हरियाणवी दोनों मिक्स कर रहा हूँ। तो भाई आदत है भाई जी, पंजाब वाले बैठे हैं तो पंजाबी में, हरियाणे वाले बैठे हैं तो हरियाणवी में, यूपी में बैठे। तो मतलब जैसे भाई फिर उस्ताद किसको बनाया आपने? अच्छा विस्की भाई, अच्छा विस्की भाई को पकड़ी दो, बाकी देखो मन में तो डर रखा है सामने इंटरव्यू में बात हो रही है। सक्सेस भी तो इस चीज का नाम है कि भाई सक्सेस भी तो तभी मिली है कि अगर मन रखा है किसी ने।
फिर इनके कबूतरों तो मैं बाजी भी बोलती थी अभी से भाई मतलब ऐसे कबूतर हैं कि मेरे घर उठा चौदह की भी वो एक ही गांव हो गया। हाँ जी, हाँ जी। मेरा कबूतर यहाँ से उठ गया। हाँ जी। तो वो गांव में आप कहीं पर छोड़ देंगे तो वापस उसको तो यहीं आना। हाँ जी, हाँ जी। जब इसी गांव में मुठ मारोगे आप। हाँ जी। लेकिन उन्होंने मेरे को ऐसे कबूतर दिए कि मैंने वहां पर उड़ाए तो वहीं पर ही बैठे। बिल्कुल, गाँव की जो उस कूड़ से इस कूड़ पे भी नहीं आए। तो जो किसी भाई के पास भी है या अपने बड़े भाई के पास तो ये नस्लें कौन कौन सी एक बार इनके बारे में बताओ। सारे कबूतर बिल्कुल जी बिल्कुल। तो मतलब जो पहली बाजी छोड़ी थी देसी भाई आपने वो याद है कुछ उसके बारे में कौन सी थी। मेरे मामा आज वो आ नहीं पाया बाग के। अच्छा, उसकी गेल छोटी थी बागा भैया पर। हाँ, 150-150 रुपये की बातचीत थी। अच्छा, भैया पर मेरी छोटी थी। अच्छा, और उसी से वो कबूतरी थी बदली थी 100 रुपये की पता नहीं 70 रुपये बाकी भाई बाकी और बाग्य के साथ में बाग्य के साथ में बाग्य को लगातार दोबारा लगाया 80। हाँ, फिर क्रेज और बढ़ गया। हाँ, फिर मेरे वो बचपन में ये हो गया भाई मन यो काम कर दिया। ये कोई बात होगी जब मैंने वो कबूतरी ली होगी साइकिल पर जाया करता मैं मिस्त्री का काम सीखा करता था तो ये कोई 9-10 साल का होगा। अच्छा, जब इसे बाकी ले ली थी मैं 150 रुपये की बता रही हूँ ये देख करेज था उस टाइम। फिर उसके बाद पीछे मुड़ के देखा ही हाँ बस तब तक फिर आज तक पता नहीं कितनी साहब कितनी मेरे को परमात्मा जगह जान दे रही है ध्यान नहीं है कि मैंने आज अपनी लाइफ में कितनी बाजी छोड़ ली कितनी जीत लिया कितनी हम आज तक कहते याद ही रही। और साल की तकरीबन अंदाजा सा कितनी बाजी देखो इस साल की भी याद नहीं है। हर बार जितने कबूतर हुए हैं विजय भाई मैं सारे छोड़ दूँ चीख दे बच्चे भी बाजी बिल्कुल जी ये मेरे को पता है भाई जी क्योंकि अपने पास बैठे हैं जो चीख चीख करते बच्चे भी दूसर की सरुले हुए हैं। बिल्कुल जी तो कहने का मतलब ये है कि अपना कोई वो नहीं है कि कितनी बाजी छोटे हैं। हरियाणा की बात करो तो 8 महीनों में भी नहीं तक शायद मैं ही कबूतर बाजी लास्ट तक। और जो यूपी की जो तकरीबन बाजिया जीत बाजी मान लो यूपी में भी साल भी जो 2021 का आया है मान लो इसमें भी अपना कबूतर बहुत बढ़िया बाजी जीती थी 21,000 रुपये एंट्री का यूपी में सबसे बढ़िया मैच हो गया था इस साल 2021 का अपने कबूतर ने जीती। अच्छा, आपने ने जीता 1.5 लाख राकेश भाई के लसन जीती उसकी। अच्छा, राकेश उसकी भी आज आना था भाई ने भी। अच्छा अच्छा, हाँ कोई काम में जाना पड़ गया उसका लड़का मान ले। चलो कोई ना कुछ आपसी काम मान ले इमरजेंसी तो अलग बात है कुछ ना कुछ मसले हो जाए। हाँ जी, और मतलब जैसे भाई एक बार आपके पास जो जो नस्लें बैठी हैं उनको भी एक बार रूबरू करवाओगी या फिर ऐसे करते हैं कि जो पगड़ी वाली रस्म है उसके बाद में। हाँ, ये बहुत भाई भी भूखे मतलब मान लो भूखे आए हुए हैं थोड़ा सा बैठकर खाने का। हाँ, बिल्कुल जी, चाय पानी का भी एक बार बंदोबस्त करवा देते हैं तो उसके बाद में फिर लोग का या कुत्तेगा आपको शो करवाएंगे। फिर एक बार देसी भाई से लास्ट में जरूर फिर एक बार बैठ के तसल्ली से बात करेंगे। तब तक के लिए भाई नेक्स्ट स्टेप के लिए तैयार हो जाओ और जो अपना देसी भाई का पगड़ी का प्रोग्राम है तब तक के लिए वहाँ लेके चलते हैं आप लोगों को। तो तब तक के लिए भाई उस प्रोग्राम में आओ और सही है जावेद भाई दो पगड़ी ये अपने जावेद भाई हैं और रोकी भाई हैं दिल्ली से कूट से और कौन कौन भाई आ रहे हैं वो भी आ जाओ भाई रोहित जावेद भाई ने पगड़ी दी है। जावेद भाई ने रोकी भाई ने 1.5 लाख रुपए से पगड़ी दी है देसी भाई को।
और जावेद भाई पुट है, पुट कला से, पुट कुर से, दिल्ली से भाई, प्रॉब्लम से भाई को इन्होंने पकड़ी दी है और 1.5 लाख रुपए से पकड़ी दी है भाई। बहुत बढ़िया ये अपने विस्की उस्ताद जी हैं, देसे भाई के जो उस्ताद हैं, तो इनका माला से और पगड़ी से मान सम्मान किया गया है। और माला कितने की है? 5,500 की माला से सम्मान किया गया है जी भाई का। ये भाई अपने जयपाल भाई हैं टल्लीवाड़े से, यूपी से, और इनको 3100 रुपये की माला और पगड़ी सम्मान दिया गया भाई जी। और ये मेहरबान उस्ताद जी हैं, तो इनको 3100 रुपये माला से सम्मानित किया गया। ये अपने जोगिंदर भाई हैं हरसाना गांव से, जो कि देसे के मामा हैं और देसे का जो शौक स्टार्ट हुआ था तो जोगिंदर भाई के यहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो ये भाई अपने विक्की भाई हैं सेवदी से, और सबसे ज़्यादा क्लोज जो देसे भाई के सबसे अच्छे मित्र हैं विक्की भाई हैं, तो इनका 5100 रुपये माला से मान सम्मान किया गया है भाई। रमेश भाई है सर्टिफिकेट से, और भाई का माला से 1100 रुपये माला से 5000। ये अपने भाई विक्की डॉक्टर तालू से हैं और भाई का 1100 रुपये माला से मान सम्मान किया गया, बहुत बढ़िया। ये अपने संदीप भाई सुल्तान भाई का 1100 रुपये माला से सम्मान किया गया है, बहुत बढ़िया भाई। ये अपने अनिल खैरिया से भाई का माल 1100 रुपये माला से मान सम्मान किया गया, बहुत बढ़िया भाई। ये अपना भाई मोहित मलिक बैसवाल से भाई का 1100 रुपये माला से मान सम्मान किया गया है। मुकेश भाई है अरसाना गांव से, और तो शौकी स्टार्ट जो शौकी शुरुआत हुई थी जोगिंदर भाई और मुकेश भाई के वहाँ से शुरुआत हुई थी, तो भाई बहुत बढ़िया 1100 रुपये से मान सम्मान किया गया। ये अपने अमरजीत भाई हैं और बिंदर भाई अमृत भाई जी हैं, इनका 1100 रुपये माला से मान सम्मान किया गया, बहुत बढ़िया। ये अपने भाई हैं बिंदर भाई पंजाब से ही हैं और 1100 रुपये माला से इनका भी मान सम्मान किया गया है। ये अपने रोहित भाई ने ये गांव कौन सा है बराई से है रोहित भाई, और रोहित भाई ने कितने से पकड़ी थी भाई 51,000 से रोहित भाई ने देसी भाई को पकड़ी दी है। और
गुप्ता जी का मान सम्मानित किया गया है, ज्ञान स्व की माला से सम्मान सम्मानित किया गया है। ये तो एक बहन है भाई, जैसे भाई को पकड़ी दी है। ये भाई अपने परमवीर भाई हैं सुमदीना, तो इन्होंने देशे भाई को पगड़ी दी है। और कितने से दी है? 51,000 से सुसु भाई ने देशे भाई को पगड़ी दी है। राहुल भाई हैं भाई, जैसे भाई के छोटे भाई हैं। 3100 रुपये माला से सम्मान किया गया भाई का, बहुत बढ़िया भाई। ये अपने दिनेश भाई का भाई, क्या सुना? 3100 भाई, दिनेश भाई का 3100 रुपये माला से सम्मान किया गया, बहुत बढ़िया भाई। से भाई मदद करें। जो बड़ा रणवीर भाई है, केड़ी से भाई मान मान सम्मान कर रणवीर भाई। कपिल भाई है जो मतलब रोहतास भाई है अपना कुराड़ से, इसका कपिल भाई का चेला है, मान सम्मान 1100 रुपए की माला, तो मान सम्मान कर रहे हो हमारा। तीन ठीक है भाई।
ये अपना भाई मोटा भाई है मनाना गांव से और भाई का माला और पढ़ने से मन सम्मान किया गया। भाई अपने भाई है पवन भाई मोटा भाई 500 रुपये माला और पढ़ने से मान सम्मान किया गया भाई का बहुत बढ़िया। ये अपने द्रोका साहब है जी सिंगला देवीलाल है जी सिमालका से है जी भाई का 500 रुपये और पढ़ने से मान सम्मान किया गया बहुत। ये अपने रोहतास भाई हैं 500 रुपये माला और पढ़ने से मान सम्मान किया। भाई अपना पुराना लाड़ है देश गला और भाई एक दो तीन चार पांच भाई दोस्ती भी हरमनदीप मुंडाल भाई भाई तय बार है वो आ नहीं पाया उसके लिए भाई हमारा इतना बड़ा ग्रुप तो है भाई भाई चार भाई हैं और भाई कोई बात आती देश ने भाई कोई शनि किसी चीज की जरूरत उस चीज का कर भाई खरे हरी गला है लाड़ है और उनकी पुराना लाड़ है जानी भाई ठीक है भाई बहुत बहुत धन्यवाद इन मेरे भैया का लाड़ प्यारा का डॉक्टर है दिनेश है संदीप है मनदीप है अनिल है जो भी भाई है ये मेरे पांच सात भाई राकेश हैदर नगर है मालिक आन नहीं भाई कुछ भाई कमल है अपना जो एक दो भाई नहीं आ पाए मजबूरी के कारण मान ली इधर उधर बीमारी बचा रहे हैं तो नहीं आन पाया हमने दिल तक मिस कर रहे हैं भाइया में कोई ऐसी बात नहीं है लेकिन हमारे पांच सात भाइया का छोटा भी जो अकेले भी जो बात है सारे अकेला एक के बाद भाई और भाई जो भाई के चले बड़े नमाले मारे छोटे भाई है कभी प्यार से भी गिरा और प्यार से कभी बढ़िया काम करो भाई सारे भाई मिल कर क्योंकि अपना बढ़िया आपका करोगे ना तो अपने आप को सबके मुंह बढ़िया हो जाएगा। बात है कोई भाई सारे भैया थे भाई जायज बात पते से के गेल खड़िया दी रात में जायज बात पते से के गेल खड़िया दी रात में एक भाई और पकड़ी मां नाना था भाई गगन उसकी मां गुजर की मां गुजर की भाई परमात्मा ने चलो जो भी हो गया परमात्मा जो भी बढ़िया हो गया जो भी भाई अपने दरवाजे करना
फिर वो बताओगा कि मैं मतलब हर ग्राम को दिन में एक घंटा गया जरूर भाई मिनट का जरूर गया एक जोड़ा नहीं इंदर पकड़वा जी पहले वो बच्चा मर रहा है भाई ना उसके पाए में दिक्कत है वो उसने मैं लिए नहीं चल मत आंडी भाई मर गया सुने हां थोड़ा हर क्या लग गया मतलब नीचे कुंडी में अरे सील पड़ा है ना काल परसों सेट के कारण हो रहा है हां कोई बात नहीं 100-150 में का देखो अंदर आ ऊपर भी के ऊपर खड्डा है के हां खड्डा हाँ जी जो अपने जावेद भाई है तो उनको देसी भाई ने जो गुरुदक्षिणा में जोड़ा गिफ्ट किया है और उस्ताद जी के हाथों इसकी उस्ताद जी के हाथों जावेद भाई को जोड़ा गिफ्ट करवाया गया है तो वो उस्ताद जी बताएंगे इसके बारे में से हैं कैसे क्या खाने अपने ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਖਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਮੁਖਤਿਆਰ ਵਾਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਦੇਖੇ ਵਾਲਾ ਮੁਖਤਿਆਰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਰੀਡ ਤੇ ਆ ਕਰ ਦੁੱਲੀ ਵਾਲੇ ਆ ਬਾਈ ਡੀਸੀ ਵਾਲੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਦੁੱਲੀ ਵਾਲੇ ਬਾਈ ਜੀ ਦੁੱਲੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹ ਖਾਨ ਸਿੱਧੇ ਉਸੇ ਖਾਨਦਾਨ ਤੋਂ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਬਾਜੀ ਠੀਕ ਹੈ
निके निके पिंड छड़ दे बाजन का कोई मैटर ही नहीं। बहुत बढ़िया जी, बहुत मालिक जी, बहुत बढ़िया जी। सर माथे ला आए सुसु ए बार ये मादी है जी, मुख्तार वाले कबूतरों में से है, बेगे वाले मुख्तार जी, ये धन्य वाले कबूतर भी यही है जी, यही है जी। तो ये पट्टी है जी, धन्य वालों में से या मुख्तार वालों में से बोल दो, एक ही चीज़ है। तो बहुत ही शानदार चीज़ है जी। और ये भी धन्य वाले चो है जी, परमवीर भाई को जोड़ा गिफ्ट किया है उस्ताद जी ने। तो ये कबूतर भट्ठे वाले तो है, ये भी धन्य वाले बजते भट्ठे बाजी जीती ब्लड है जी। अभी बहुत बढ़िया जी, नाम पे गया। पंजे भी बिलकुल सुरख है जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ये किया जी, ये नर भी धन्य वालों में से ही है। और ये जो नस्लें हैं ये बिल्कुल प्योरिटी में है जी नस्लें, ये क्योंकि उस्ताद जी के पास से आए हुए हैं। ये डीसी उस्ताद जी के घर की जो ब्लड लाइन है वही लाइन है जी। वाह, बहुत बढ़िया जी। ये भाई रोहित भाई को ये जोड़ा गिफ्ट है, नर भी राजन वालों में से ही है। तो ये रोहित भाई को ये जोड़ा गिफ्ट किया गया है, बहुत बढ़िया। रोहित भाई उस्ताद जी आप अच्छा, यो बच रहा है कोई ना तो भाई जिन भाइयों ने देसे भाई को पगड़ी दी है, तो रोकी भाई, जावेद भाई, अपना सुसु भाई मदीना से, और अपना रोहित भाई, रोहित छिलर भराई गांव से। तो ये चार आदमी हैं जो अभी जिन भाइयों ने पगड़ी दी है, और पांचवा भाई कुछ उसके साथ में कोई दिक्कत होगी, ट्रेजरी होगी उसके परिवार में, मौत होगी या चलो भाई परमात्मा का घर है, कुछ भी हो सकता है भाई। वो भाई आ नहीं पाया, नहीं तो पांच पगड़ियां आज जैसे भाई को पूरा सामान यहाँ पे आके रखा हुआ था, तो उसके कुछ दिक्कत होगी, वो इस वजह से नहीं आने पाए। तो मैं इन भाइयों से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। जावेद भाई कितने दिन से जुड़े हुए हो जैसे भाई के साथ में, और ये साथ में हो, साथ में शौक कर रहे हो, साथ में बाजियाँ छोड़ रहे हो, तो मतलब कबूतरबाज और भी हैं, बढ़िया खिलाड़ी भी हैं, देसे भाई की टक्कर के भी हैं, छोटे भी हैं, तो देसे भाई को ही चूज करने का कोई कारण है? ये आत्मा के साथ जी, दिल से दिल तो दिल मिलना चाहिए उसका। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल, तो अटैचमेंट ज्यादा बिल्कुल, एक बड़े भाई का माना था मान लो, चाहे बाप का मान लो, तो भाई सबसे मेन जरूरी बात है कि भाई दिल मिला चाहिए, तो बहुत बढ़िया बात। सुसु भाई आप कितने दिन से जुड़े हुए हो? मैं 3-4 साल से जुड़ा हुआ हूं। अच्छा, 3-4 साल से देसी भाई के साथ में चल रहे हो, पहले घर की बाजियां उड़ाते थे, मैंने सुना है अब आगे बाहर छोड़ने का इरादा है घर के लिए ही? अच्छा, और रोहित भाई तो बाहर छोड़ते हैं, इसका तो मेरे को पता है, कई बाजियों में देखा भी है।
तो कितने दिन से रोहित भाई जैसे भाई के साथ में जुड़ रहे हो? अच्छा, एक डेढ़ साल से रोहित भाई देसे भाई के साथ में जुड़े हुए हैं। और देसे भाई के पास आने का कोई मेन कारण? जैसे मेन कारण ही है कि शोक करना। अच्छा, शोक करना। अच्छा आदमी है ऊपर, जो एक मास्टर मान लो या गाइडलाइन करने वाला इंसान है, ऊपर अच्छा आदमी होना चाहिए। सही बात है, बहुत बढ़िया है जी। देसे भाई का नेचर मेरे को पता है, मिलनसार आदमी है, और सब आदमियों को जो साथ में बैठने वाले हैं या चेले हैं सबको ये बराबर ले सकते। बहुत बढ़िया, पगड़ी सब कुछ पे लेते सब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल, मेरे में कोई वो नहीं करी। जावेद भाई आपका और देसे भाई का तो मेरे से कुछ नहीं छुपा हुआ, मेरे को तो पता है सारी बातों का। भाई पगड़ी याद दी है, गेम काफी टाइम पहले, सब कुछ देते चल रहे। बिल्कुल जी बिल्कुल, और मेरे ख्याल में कबूतर भी तकरीबन सारे है ना, तकरीबन सारे कबूतर यहीं से गए हुए बैठे। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। फिर बाहर छोड़ने का? अच्छा, पिछले कुछ टाइम से छोड़ी है? अच्छा, अब रेगुलर छोड़ोगे? चलो ठीक है, आओगे सुसु भाई भी जरूर आओगे, बाहर के घर की बाजिया ने भी छोड़ेंगे, बाहर भी आओगे जरूर आओगे, मेरा वादा हाथ है। और रोहित भाई तो चालू है। चलो बहुत बढ़िया भाई, ये चारों भाई अभी फिलहाल यहाँ पे मौजूद है, पांचवा नहीं आने पाया, वो आगे कभी प्रोग्राम होगा तो जरूर बताएंगे। भाई देशे भाई का जो पांचवा बंदा है, गगन भाई है यूपी से, उन्होंने नहीं आ पाए वो। और अभी उस्ताद जी से थोड़ी सी बातें करते हैं, कुछ नए बच्चों के लिए सीखने को कुछ अगर उस्ताद जी के मुंह से मिल जाएगा तो बहुत बढ़िया बात है जी। देशे भाई, हाँ भाई, तो अभी लास्ट में मैं उस्ताद जी से और देशे भाई से बात करता हूँ कि जो बच्चे गेम में हैं, कुछ भाई उस्ताद जी नहीं दे पाते हैं, फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो जाती है या कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए कोई एक छोटा सा गुरु दे दो। देखो मेरी बात, तो पहले तो गुरु जिसको अपनाना चाहिए बहुत सोच समझ कर अपनाना चाहिए। ये नहीं है कि आपने जल्द मान लो एक दो महीने में आप उसके पास बैठे हो और आपने उसको पगड़ी दे दी है बिना सोचे समझे। ये मेरे जो चेले हैं, जो मेरे से जुड़े हुए हैं, ये चार चार पाँच पाँच साल तक मेरे पास आवे जावे, मान ले पगड़ी तो इन्होंने आज रस्म पूरी करी है, लेकिन इन्होंने मेरे से, मैंने भी इनको खूब बरताया, इन्होंने भी मेरे को बरताया। तो ये जो गुरु का और चेले के जो मान सम्मान है ना, ये बहुत सोच समझ के करना चाहिए। ये नहीं है कि मान लो आप किसी के बकाए माँ का ना, भाई मैं उसके बकाए माँ का या उसके बकाए माँ का पगड़ी दे रहे हो, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं। मान लो कहने का मतलब, गुरु जिसको भी बनाओ बहुत सोच समझ के बनाओ बिल्कुल, और क्योंकि गुरु का नाता एक बाप का नाता होता है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई जिसको भी आप पगड़ी दो बहुत सोच समझ के पगड़ी दो। हाँ, जैसे स्कूलों में एडमिशन से पहले टेस्ट लिया जाता है, ऐसे मास्टर का भी टेस्ट होना चाहिए। तो वो बहुत जरूरी है। फिर बाद में पैसे के बारे में लालच हो या कबूतरा करके लालच हो, आपस में बिगड़े, तो उससे पहले की हुई कि अपना तीन चार साल आपस में बैठ उठ करो, अपनी गेम समझाओ या समझो उनके साथ, फिर आपस में अपना पगड़ी की रस्म पूरी करो। ये नहीं है कि मैं आपको एक महीने से मिला हूँ और मैंने आपको पगड़ी दे दी या मैंने आपसे पगड़ी ले ली, लास्ट में उस रिश्ते का निर्णय यही होता है कि उनकी कहा सुनी निकलती है। बिल्कुल, वो अलग हो गया या वो अलग हो गया, लेकिन इनके साथ अपनी अलग वाली कोई बात नहीं है। घर का परिवार का नाता इनके साथ अपना 5-6 साल से, कबूतर बाड़ी बाजी वाली कोई रिश्तेदार मतलब कबूतर बाजी वाली कोई इनके साथ बातें नहीं, मेरे परिवार है, एक परिवार की तरह अपने भाइयों की तरह मान लो, छोटे भाई हैं मेरे, बच्चों की तरह मान लो। जिस चीज की भी जरूरत होगी, ये हार गए तो इनसे पहले मैं हार गया जी जी। और तो कहने का मतलब ये है कि मेरा परिवार है छोटा, हाँ भी जैसा भी है, परमात्मा से दुआ की इनकी बरकत करे मेरे भाई। तो उस्ताद जी कुछ आप भी थोड़ा सा कैमरे के सामने कुछ एक थोड़ा सा गेम का ही कुछ गेम के बारे में थोड़ा बहुत बता दो, कुछ भी दस दो जो तो चंगा लगे, कोई दवाई बारे बस दस दो या खेल पानी बारे दस दो, किस तरह किस छोटी मोटी कोई बच्चा ने कुछ सीखने मिल जाए, किस तरह गेम है। चलो मैं एक सवाल करता थोड़े, तो कबूतर कितों लेने चाहिए? हाँ जी,
चंगी नस्ल होवे पता होवे कि बंदे कोले सही कबूतर ते सही नस्ल भी आता रहंदा है छोड़दा है जीतदा हां जी आखा भाई हर साल बंदा गेम में रहवे बाजिया है वो तो कबूतर ये नहीं कि मोल देवे मोल वाला रिश्ता नहीं रखा उसकी गला परिवार वाला मैं एक गल इस करके पूछी है जी क्योंकि मेरे को फोन आंदे मेरे मेनू लोग पूछते कि भाई मैं फलानी थां ते कबूतर लिए आ जा रहा है लिए मुख्तार वाले नु फलानी थां ते लिए ते वो गल्लियां तो चुक के कबूतर लेके आंदे ते फिर उन्हां दा रिजल्ट नहीं निकलना ते वो मैं मेरे को फोन करके पूछते कि भाई ये कबूतर दा रिजल्ट निकलिया नहीं वो रिजल्ट किस तरह निकलूगा उन्हां दा फोन कर दिंदे कि वो इकट्ठे कर लेंगे वो इकट्ठे कर लेंगे 200 250 300 1000 रुपए ले लेंगे तो उन्हां दा रिजल्ट की आऊगा जी ते भाई यह रिक्वेस्ट है भाई अपना भाईचारा बनाओ सबसे बढ़िया जरिया है किसी तरीके से भाई आदमी के साथ जुड़े रहोगे तो जरूरी नहीं है कि भाई मोटी राशि देनी जरूरी है अगर दिल से जुड़ोगे तो भाई ऊपर वाला बंदा ये भी सोचेगा कि भाई मेरे साथ बंदा जुड़ा हुआ है इसको खेल सिखाई जाए सबसे पहले तो विजय भाई आज के टाइम पर कबूतरबाजी करनी तो बंदे को बिल्कुल जी क्योंकि सरपत होगी तभी फिर कुछ होगी बिल्कुल अब ऐसे एक गुड्डे में ही कबूतरबाजी करेगा तो वह कबूतरबाजी नहीं होगी रान मट्टी है वो अच्छी नस्ल भी ले रहा होगा ना वो फिर भी अलग वो वीक पॉइंट है हाँ सबसे पहले रख रखाव का ध्यान करो गुड्डे के बारे में सबसे पहला पॉइंट कबूतरबाजी की शुरुआत जैसे जावेद है मेरे साथ मैंने इनको पिछले 5-6 साल से कबूतर दे रहा था कोई बात नहीं इनका रखने का सिस्टम ऐसा था कि हर साल कबूतर बनते थे से पूछ लो कम से कम भी 20-30-40 कबूतर भी पहुँचे होंगे कोई बात नहीं लेकिन बाढ़ कपड़े कोई बात मैंने इनको एक की नॉलेज दी मैं सबसे पहले खुड्डा बनाऊँ खुड्डे कम्प्लीट आज मालिक की बात 35-40-35 साल बढ़िया पॉइंट पहले से तैयार है क्योंकि उन्होंने खुड्डे बनाए हैं सेटअप बनाया है सबसे पहला पॉइंट जिंदगी में कबूतरबाजी का सेटअप अगर सेटअप है तो आप कबूतरबाज हो नहीं तो कोई फायदा नहीं है ऐसे एक खुड्डे में कबूतरबाजी करने का बड़ा खराब करने वाली बात यही बात मैं पूछना चाहता था और यही बात खुद आपने बोल दी एक पॉइंट दे दिया कि भाई खुड्डे देखो जब तक कोई भी मिस्त्री है या कोई भी योद्धा है उसके पास अपना पूरा सामान होगा मिस्त्री के पास टूल पूरा होना चाहिए और योद्धा के पास उसके हथियार पूरे होने चाहिए जब तक उसके पास हथियार पूरे नहीं होंगे तब तक लड़ाई नहीं जीती जा सकती तो भाई ये एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट दिया है देसे भाई ने और बहुत बढ़िया जी देसे भाई और यहाँ पे बहुत खुशी हुई उस्ताद जी के दर्शन हुए हैं मिलने को मौका मिला है मैं गया था तो पिंड गया सी बेगे नाल ही है मैं बेगे गया सी मैं फौजी को गया सी सबसे पहली बात तीन नस्ल की मेरे उस्ताद के कबूतर बैठे एक बार कैमरा घुमाओ जैसे छोटी बात ये कबूतर घर 10 बजे तक उड़ते हैं अगर अच्छी नस्ल के कबूतर है 10 बजे तक का उड़ता उड़बाजी जीतता है ये नहीं है कि कबूतर को लट मार कर डंडे डरा डरा कर उसको उड़ाओ अब ये 3 बजाओ जब बाजी जीतेंगे लेकिन जो नस्ल का कबूतर होगा वो 10 बजे वाला ही जीतेगा 10 बजे वाला ये कबूतर हमारे 9-9 बजे 10-10 बजे घर बैठते हैं कल्ले बाजी जीतते हैं ये नहीं है कि भाई ये 3 बजे आओगे फिर ही हम इन्हें बाजी छोड़ देंगे लेकिन हम इनको सवेरे 6 बजे खुड्डे पे छोड़ते हैं ये 9:30 बजे भी बैठे लेकिन फिर भी कल्ले जीतते हैं यह एक सबसे बड़ी खूबी है नस्ल की चलो जैसे भाई आपने ये थोड़ा सा जिक्र छेड़ ही दिया था चेक किया वो भी भाई हमने प्रैक्टिकल कर कर बताया कुछ जो पंजाब के अपने उस्ताद हैं या अपने हरियाणा के भी बड़े उस्ताद हैं उनका ये कहना है कि भाई घर पे ही कबूतर को तोड़ लोगे तो मार की करो क्या करो फिर वो मेन पॉइंट ये बात मेन पॉइंट कबूतर को छतरी के हेलीकॉप्टर आ रहे हो तो जानवर कब तक उड़ेगा वो घर ही वो जो उसको जितने बजे वो आपके घर बैठ रहा ना डराने से उतना ही टाइम देगा एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं उसने टाइम दी लेकिन कबूतर की कहने के मतलब आपने कही थी कि एक छोटा पॉइंट घर कबूतर को कम पानी दो कहने का मतलब घर कबूतर को 15 ml पानी या 20 ml पानी भरा बाहर कबूतर को जितना आपका पानी दिया जाए 60 ml 70 ml उतना आप कबूतर को पानी दो जितना वो ले सका और नाक ये मेरा उस्ताद श्यामी खड़ा इन्हें मेरे तो एक के बाद सिखा रखी है कि कबूतर के नाखा में का पानी काट के छोड़ दे बिल्कुल अर्धा उर्धा नहीं है क्योंकि अपनी गेम है ठीक है विजय बिल्कुल तो जो करिए अपने कबूतर मैंने बताई 10 बजे बैठे हुए कबूतर का हम पोटा भर के छोड़ते हैं बिल्कुल
छोटी बात नहीं है वैसे, बहुत बढ़िया, क्योंकि 10 बजे बैठने वाले कबूतर का पोटा भर के छोड़ना है, गेम है वो हमारी, गेम फिर ही कबूतर जीतता है। कहने का मतलब पहली बात तो है नस्ल, दूसरी बात होती है गेम। लेकिन पहले मैंने पॉइंट दे दिया आप तक, ये सारी की सारी चीजें जरूरी, देखो सारी की सारी चीजें लाइन बद चलेगी तो सारी की सारी चीजें ही काम आने वाली बात, क्योंकि सबसे पहले तो मेन चीज है खुद्डा, खुद्डे के बाद में दाना पानी भी, दाना पानी के बाद में फिर उनकी देखभाल भी, तो सारी चीजें ये लाइन से चलोगे तो तभी से। एक और बात, जो भाई घर मान ले नौकरी करता या घर गृहस्थी में से उसको टाइम नहीं लग पा रहा, तो वो कबूतर ना ही रखे तो उसके लिए अच्छा, अपने शौक के लिए वो, तो वो अपना टाइम पास कर सकता, बाजी नहीं छोड़, बाजी नहीं छोड़े। अगर आपको बाजी छोड़नी है तो स्पेशली एक बंदा इनके लिए प्रॉपर चाहिए होता है, बिल्कुल, क्यों 24 घंटे बिना थोड़े रहना चाहिए, बिल्कुल जी बिल्कुल। अगर जो ये है कि बंदा ड्यूटी वाला है, कामकार वाला है, तो अपने घर 5-7 कबूतर रख के अपना टाइम पास कर ले, दाने घेर ले, बाजी के चक्कर में ना बढ़े। अगर बाजी के चक्कर में है तो वो बड़ा सर्कल करना पड़े, जैसे कि अब सर्कल है तो सर्कल बगैर कबूतरबाजी नहीं है, क्योंकि एक बंदा बाजी में जाओगा कि घर कबूतरा ने उड़ा होगा कि बादाम पाओगा। कहने का मतलब यो है कि बंदे खुड्डे में 4-3 बंदे नॉर्मल होने चाहिए, फिर ही कबूतरबाजी है। तो ये कहने का मतलब ये 5-4 बातें थी पॉइंट की, जो हमने पता था जो भाई कह दी कि शेयर कर दी, बहुत बढ़िया जी। जैसे भाई, जैसे भाई देखो, मेरा भी पंजाब से पुराना रिश्ता है, क्योंकि बचपन में गया था, अभी शादी होने से थोड़े दिन पहले मैं हरियाणा में आया, मेरा शौक वहीं का है, मैं पठानकोट रहा हूँ, पटियाला रहा हूँ, तो मेरा शौक भी उधरों का ही है। तो मैं पंजाब के बंदियों का बड़ा शुक्र गुजार हूँ जी, जिन्होंने मैंने गेम सिखाई है, खेड सिखाई है, कबूतर बारे सिखाया, जो यहाँ तक भी पहुँचा, हाँ यहाँ तक जहाँ तक पहुँचा हूँ मैं, तो पंजाब हर आदमी को कहीं ना कहीं तक पहुँचाने का किसी न किसी का हाथ हाथ होता है। तो जैसे भाई कुछ चैनल के बारे में भी, भाई हाथ जोड़ के सारे भाई तक कभी मतलब बहुत है दिल तक हाथ जोड़ के प्रार्थना की, और विजय भाई का जो चैनल है, वो अपना ही चैनल है भाई, सारे भाई तक हाथ जोड़ के विनती है, इसने सब्सक्राइबर लाइक जरूर करियो, सारे भाइयों का हाथ जोड़ के तय दिल का धन्यवाद है। और विजय भाई अपना मिलसान भाई है, घर परिवार का बढ़िया भाई है, मतलब जितनी इसकी तारीफ करो उतनी कम है, किसी चीज़ का मोहताज नहीं है, यो बड़ाई के लिए मतलब अच्छाई के पात्र पात्र है, तभी वो यहाँ पे है, नहीं तो और भी बहुत सारे बंदे हों चैनल के लिए, लेकिन हमारे को इसके अंदर खासियत दिखी है, फिर हमने ये इन्वाइट करा है। लेकिन गुड बंदा, मिलसार बंदा, ये नहीं है कि कोई किसी प्रकार का लालच है, ना ना देसी भाई लालच तो किसी को, ऐसे भाई के लिए यही कम है बस, ऐसे भाई के लिए सारे भाइयों से हाथ जोड़ के विनती, इसकी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, बस ये हाथ जोड़ के छोटी सी विनती सारे भाई, धन्यवाद देसी भाई।